हाय गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। तो वेलकम बैक टू अवी गेमिंग हब। एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी यार मेरे पास में कि कॉर्वस ग्लेव अब यूज़फुल है या नहीं है, बताओ थोड़ा इसके बारे में। सो यार बिल्कुल सच बोलूँ तो ही इज़ स्टिल वेरी यूज़फुल, बट ये मैटर करता है तुम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो। अब वो उतना यूज़फुल नहीं रह गए क्वेस्टिंग के लिए, बिकॉज द हाई हेल्थ पूल्स, जो हेल्थ पूल है उनका लेवल इतना हाई चला गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब कॉर्वस कर सकता है सब कुछ, बट उसको एक चार्ज चाहिए, और वो चार्ज मिलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है आज के टाइम में। इतना हाई हेल्थ पूल बिना चार्ज के तो भाई कॉर्वस से तुम थक जाओगे पर नहीं कर पाओगे। और कंपैरिजन भी अब उसका CGR के साथ में और हर्क्यूलिस के साथ में होता है, तो नहीं। तो अगर तुम समझते हो ये बुक 2 में काम आएगा तो अब बहुत कम चांसेस है, पर बुक 1 में मैं नॉर्मल एक क्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर सामने वाले जो भी अपोनेंट है उसकी हेल्थ 1.5 लाख 1,50,000 से 2 लाख है तो स्टिल कॉर्वस इज यूजफुल, बट द प्रॉब्लम इज टू गेट दैट चार्ज। मैंने अपनी टीम में ओडन और गैलेक्टस को इसलिए लिया है बिकॉज आई विल मेक हिम द हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस एज वेल एज गिव हिम द पावर ऑफ ओडन सिनर्जी। तो पहली फाइट अपनी होने वाली है रेड स्कल के साथ में, बट यार थोड़ी दिक्कतें, मतलब थोड़ी सी मेरे से गलतियां हुई थी इन फाइट्स में, पर कोई बात नहीं, अनब्लॉकेबल स्पेशल्स थे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर थोड़ा सा गेम लैग करता है, पर I know you guys can understand that. So यार अपना देखो ये टेक है, तो हमेशा कोशिश करो कॉर्वस को सबसे पहले टेक के अगेंस्ट ले जाओ, बिकॉज अटैक बोनस मिलेगा, जल्दी मार पाओगे। दूसरी चीज़ ये 20 hits, इन 20 hits को बहुत ही आराम से यूज़ करना है, मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है। मैं कहीं कहीं पे गलती से हैवी यूज़ कर लेता हूँ, वो स्क्रीन का कुछ ग्लिच हो जाता है, वरना मैं मारता मीडियम हूँ। इसके लिए बेस्ट जो मतलब तुम्हारा कॉम्बो है वो है मीडियम लाइट मीडियम, ओके, या फिर मीडियम लाइट पीछे हटो फिर इंटरसेप्ट मीडियम लाइट, ऐसे कर करके अपना पावर बनाओ, SP2 बनाओ एंड गेम ओवर। मेरे हिसाब से अगर कॉर्वस के पास एक चार्ज है तो 1,70,000 से 2 लाख हेल्थ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आइए 1,45,000, एक तुम्हारा आइस मैन। सो आफ्टर गेटिंग वन चार्ज ही इज डूइंग सम डिसेंट डैमेज। 8, ये तो मैंने गलती से यार लाइट ऐसे ही छोड़ दी, पता नहीं क्यों किया मैंने ये, पर सच्चाई यही है, इसकी मीडियम से यूज़ करो भाई, स्टिल अ गुड डैमेज। 8,145 पर मीडियम, एज वेल एज इफ योर अपोनेंट, मतलब तुम्हारे अपोनेंट की हेल्थ जब बहुत हाई हो ना उसके ब्लॉक्स पे मारो। कॉर्वस ऑलवेज हिट क्रिटिकल ऑन ब्लॉक, ब्लॉक का ही डैमेज इतना हाई होता है कि तुम्हें जब लगे कि तुम्हारे पास ग्लेव चार्जेस बचे नहीं है तो ब्लॉक पे मारना स्टार्ट कर दो, इट विल मेक योर फाइट ईजियर। सो ये वाली फाइट मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर गेटिंग अ चार्ज, तो इट्स अ नॉर्मल फाइट यार। गैलन को इसलिए लड़वा रहा हूँ जिससे वो चार्ज मिल जाए, और हाँ जो तुम्हारा कॉर्वस है उसको हेराल्ड बना दो गैलेक्टस का। यार एक चीज़ तो मस्त है, इफ़ यू यूज़ कॉर्वस ना तो सुसाइड बढ़िया है, ब्लीड से हील कर लेता है, अटैक बोनस मिल जाता है, तो अगर तुम्हारा सुसाइड होना तो कॉर्वस तुम्हारे लिए है आज भी, बहुत काम का। AW में बहुत काम का है, बहुत जगहों पर काम, इनकर्जन में बहुत अच्छा है। Still hitting some decent damage guys, 9,207 per medium, 9,800 and 4,000 hit on block, it's not low guys। ये तो मेरे से गलती हो गई थी, भूल गया था कि नोट क्या है, अनब्लॉक हुए स्पेशल नोट है। यार देख सकते हो यार तुम लोग, स्टिल अ डिसेंट डैमेज, 10,000 मीडियम यार कम नहीं होता है एक 6-star रैंक 3। तुम अगर देखो 10,000 का भी एक मीडियम पड़ रहा है तो 2 लाख का डैमेज तो मीडियम ही कर रहे हैं यार 20 hits में, बहुत होता है। उसके बाद स्पेशल 2 तो प्लस है, 2 से 2.5 लाख 3 लाख कहीं नहीं गया यार, कर ले जाओगे ब्लॉक पे मारो,
स्पेशल 2 मारो, ये देखो क्या बढ़िया डैमेज है यार, 2,500-3,000 का तुम डैमेज तो साला ब्लॉक पे कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट, पर यार क्या बोलूँ मैं, बढ़िया है एकदम। नाइस, इसी की बात कर रहा था, मीडियम लाइट। सो यार वी वॉन दैट बैटल एंड नेक्स्ट बैटल देखते हैं किसके साथ में है। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी अगेंस्ट दिस, ये जो भी है तुम्हारा यार, क्या नाम, सिविल वॉरियर। यार टेक को तो कूड़ा बना देता है ये मार मार के। बढ़िया, देखो अपने लोग सुसाइड से हील कर रहे हैं, गैलेक्टस के हेराल्ड हैं, 13,000 के मीडियम मार रहे हो, ब्लॉक पे इतना डैमेज दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, AW में यूज़ करो इसको, बहुत बहुत तगड़ा चैंप है AW के लिए, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ आज भी, बहुत बार किया है मैंने। हरक्यूलिस और CGR को क्वेस्टिंग के लिए बचाता हूँ। हरक्यूलिस तो देखो यार कहीं भी काम आ जाएगा, उससे इसका कंपैरिजन मत करो, उसके लिए तो किसी का कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता उस प्लेयर के साथ में, वो इमॉर्टेलिटी का अलग ही चक्कर है उसका जो है, इमॉर्टेलिटी कॉर्वस की भी बहुत अच्छी है अगर यूज कर पाओ, अच्छे से खेल पाओ, मरता अरता नहीं है 1% पे भी, नॉट लाइक हरक्यूलिस, बट हाँ इसमें एक चीज़ है कि टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है हरक्यूलिस में, से टाइम होता है कि टाइम इमॉर्टेलिटी का, इसमें वो भी नहीं होता। 17-17 और मेरे हिसाब से लास्ट वाला हिट होता है 42-43 तो मारता ही 2.5 लाख तक का डायमंड निकाल ले जाओगे यार 2.5-3, पर चार्ज होना चाहिए, चार्ज के बिना नहीं। ये एंजेला यार, इसके बाद में एक मिस्टीरियो बॉस है, उसको भी करते हैं। डिसेंट है मुझे यार, फंस जाते हैं यार कभी कभार अनब्लॉकेबल स्पेशल्स में, अचानक से उसने यूज कर लिया। तो एक यार मिस्टीरियो बॉस भी तुम लोगों को दिखाई देता हूँ फाइनल फाइट में, इसके बाद में एक मेरे पास क्लिप है AW की, तो वो भी दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। बाकी गाइस डू लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, गेटिंग मैनी मतलब एडवाइस की भाई प्लीज़ हिंदी में भी बना दे वीडियोस, तो आई एम ट्राइंग हार्ड गाइस, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो मिस्टीरियो आ गया अपना, तो इसको साले मारते हैं, एक प्रॉब्लम ये है हम SP2 तक नहीं पहुंच सकते, उससे SP1 डलवाएंगे तो प्रॉब्लम ये है, मतलब कर सकते थे बट मैं अवॉइड करता हूँ मिस्टीरियो के SP1 बिकॉज फिर वो मुझे डैमेज रिफ्लेक्शन नहीं पसंद है। हिट तो खाऊंगा मैं थोड़े बहुत इस फाइट में, गड़बड़े करी थी मैंने, मुझे याद भी है। बाकी यार देखो तुम लोग बैटल, बस सारी प्रॉब्लम यहीं पे चालू हो जाती है। 5 चार्ज बचे हैं 3 हिट के बाद में, अब ये 1 हिट और फिर हमारे ग्लेज चालू। मैंने ध्यान नहीं दिया वरना मैं ब्लॉक पे मार मार के इसको मार देता, पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी जब ये ग्लेव रिफ्रेश होते हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है फिर मैच, एक भी क्रिटिकल नहीं होता है फिर, और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग बना देता है फाइट को, येलो नंबर्स ही चले जाते हैं पूरे। बट स्टिल अगर तुम्हारे कॉरोज अवेकन है या 140-150 सेट पे, तो थोड़ा जल्दी ग्लेव चार्जेस को
पकड़ लेता है वापस। अगर तुम्हारे पास EGR नहीं है, हरकेलेस नहीं है, तो बहुत अच्छा चांस है। उनके साथ भी अच्छा है यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाता है। जैसे ग्रैंड मास्टर के आगे CGR यूज़ करो, कॉर्वस करो, तो अंतर है भाई। कॉर्वस का डैमेज बहुत हाई निकलता है, 63,000 उससे, मतलब मार दिया यार, कैसे भी मारा पर मार दिया इसने। तो अब यार मैं तुम लोगों को ये AW की एक क्लिप दिखा देता हूँ। मेरे पास क्लिप तो बहुत सारी थी, पता नहीं यार गलती से डिलीट हो गई। अब एक चार्ज के साथ मैं जा रहा हूँ उस एगोन के अगेंस्ट में, यार जस्ट शोइंग यू द डैमेज। बाकी तो बहुत बड़े बड़े टीयर में मैंने फाइट करी है कॉर्वस लेके, तो ये अपना प्रोटेक्शन हट गया है। एंड नाउ थिंग स्टार्टेड, निमरोड को मार देगा, टॉड को मार देगा, मतलब यार हर किसी को मार देता है, ऐसा नहीं है। इसका इतना हाई तो क्रेट है यार, छोटे छोटे हरकुल्स को तो खा जाता है पूरा। बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कमेंट करो अगर तुम लोग को मोर AW वीडियोस चाहिए। एंड बाकी स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस।